जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास। दिस इज योर हिंदी क्लास। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि जो हमने अभी तक मॉक टेस्ट की तैयारी की है, वो क्वेश्चंस आपको समझ आए या नहीं आए। आपको उस प्रैक्टिस से पता चल गया होगा कि हमें मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। समझ आया सबको कि कैसे ऊपर क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसके साथ में टू ऑप्शंस होंगे एंड यू विल टिक द करेक्ट आंसर। आप जब करेक्ट वाले आंसर को टच करोगे तो आपका आंसर फिल हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही अपने आंसर फिल करने हैं और सबमिट करने हैं। समझ आ गया ना सबको मॉक टेस्ट का पैटर्न? यस, ओके। अब हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? हमने अभी तक कौन कौन से स्वर किए हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और अब हमारा कौन सा स्वर चल रहा है? ए मात्रा। कौन सा स्वर चल रहा है? ए मात्रा, ठीक है। अब हम ए मात्रा से रिलेटेड ही कुछ वर्क करेंगे। व्हाट इज द डेट टुडे? 15 July 2020 एंड व्हाट इज द डे? बुधवार। अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगी, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी। पिक्चर्स देख के आप मुझे बताओगे कि ये किस चीज की पिक्चर है। ओके, आर यू रेडी? और उस पर कौन सी मात्रा लगी है? सबसे पहले देखिए ये किसकी पिक्चर है। व्हाट इज दिस? पेड़। किसकी पिक्चर है? पेड़। एंड व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या है ये? केले। क्या है? केले। क्या है ये? स्वीट। कौन सी मिठाई है? मीठी मीठी होती है। जलेबी। क्या है ये? जलेबी। और गोल गोल छोटे छोटे क्या होते हैं? क्या होते हैं? बेर। क्या होते हैं? बेर। चलिए अब कुछ ट्रैवलिंग कर लेते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। सबको चलना है? व्हाट इज दिस? किसमें बैठ के घूमने जाते हैं? रेलगाड़ी। रेल गाड़ी। देखिए इन सभी पिक्चर्स में किसकी मात्रा का यूज हो रहा है? ए मात्रा का। आप सबने ए मात्रा अच्छे से रीड की है? यस। अभी तक आपने कुछ मात्राएं भी की, उसके साथ में कुछ पोयम भी की। जैसे कि बड़ी मात्रा में हमने कौन सी पोयम की थी? मछली रानी और हाथी दादा। ओके, आज हम एक और पोयम करेंगे। द नेम ऑफ द पोयम इज सड़क किनारे।
पोयम का क्या नाम है? सड़क किनारे। आर यू रेडी? यस। पोयम कंप्लीट करने के बाद हम कुछ बुक एक्सरसाइज करेंगे, ओके? चलिए अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं। सड़क किनारे पोयम आपकी पावनी बुक में, दिस इज योर बुक, पेज नंबर 55। कौन से पेज पर है? पेज नंबर 55। देखिए, दिस इज योर पोयम एंड यू विल रीड विद मी। यू कैन ओपन योर बुक ऑल्सो। अगर आप चाहो तो आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हो एंड रीड विद मी। सड़क किनारे बेच रहा था, सड़क किनारे बेच रहा था ले महेश कुछ केले। बोलिए मेरे साथ, सड़क किनारे बेच रहा था ले महेश कुछ केले, मीठे मीठे पीले पीले चाहे जितने ले ले। रिवाइज करिए, सड़क किनारे बेच रहा था ले महेश कुछ केले, मीठे मीठे पीले पीले चाहे जितने ले ले। चले जा रहे आगे पीछे, चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु और चेले, चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु और चेले, चेले के मुख पानी आया पास ना उसके धेले। धेले का मतलब क्या होता है? उसके पास पैसे नहीं थे। कैसे? चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु और चेले, चेले के मुख पानी आया पास ना उसके धेले। धीरे धीरे पास गया वह, धीरे धीरे पास गया वह जिधर खड़े थे ठेले, धीरे धीरे पास गया वह जिधर खड़े थे ठेले, चितले काले बड़े सड़ेले तेरे सारे केले। अब उसने ये बात किस लिए कही? क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं और उसको केले खाने का मन कर रहा था, तो उसने क्या कहा? चितले चितले काले काले बड़े सड़ेले तेरे सारे केले। उसने सोचा शायद सौंप वाला सारे केले खराब समझ के फेंक देगा और मैं उठा के खा लूंगा। बिना चखाए बेच रहा तू, बिना चखाए बेच रहा तू ये अलबेले केले, चक्कर मीठे अगर लगे ये, चक्कर मीठे अगर लगे ये दे दे मुझको अकेले। उसने कहा कि मैं पहले चक्कर देख लेता हूँ, अगर मुझे चक्कर ये केले अच्छे लगे तो मैं आपके सारे केले ले लूंगा, क्योंकि उसका केले खाने का मन कर रहा था और उसके पास पैसे थे नहीं, तो उसने सोचा टेस्ट करने के लिए ले लेता हूँ और टेस्ट करके खा लूंगा और उसके बाद उसको केले खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उसने उसके सारे केले को सड़ेले केले बता दिया। फिर शॉप वाले ने कहा, ले ले बाबा आगे जाकर, ले ले बाबा आगे जाकर कड़वे मेरे केले, मीठे इनके छिलके केवल ऐसे ही तू ले ले। उसने कहा कि बाबा मेरे केले ना सारे कड़वे हैं और उनके जो छिलके हैं ना वो मीठे हैं, तो तुम ऐसा करो सारे केले तो मुझे दे दो और उनके छिलके आप ले लो। सबने चलाकी की थी ना बाबा ने, तो शॉप वाले ने भी चलाकी की और उसने कहा कि मेरे केले तो सारे कड़वे हैं और उनके छिलके मीठे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट अगेन। सड़क किनारे बेच रहा था ले महेश कुछ केले, पीले पीले मीठे मीठे चाहे जितने ले ले। चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु और चेले, चेले के मुख पानी आया पास ना उसके धेले। धीरे धीरे पास गया वह जिधर खड़े थे ठेले, चितले काले बड़े सड़ेले तेरे सारे केले। बिना चखाए बेच रहा तू ये अलबेले केले,
चक्कर मीठे अगर लगे ये दे दे मुझको अकेले, ले ले बाबा आगे जाकर कड़वे मेरे केले, मीठे इनके छिलके केवल ऐसे ही तू ले ले। सबको ये पोयम लर्न भी करनी है, ओके? सब लर्न करेंगे ना और मैम को सुनाएंगे भी जैसे आप पहले सुनाते थे। अब आइए पेज नंबर 56। अब हम पेज नंबर 56 पर कुछ एक्सरसाइज फिल करेंगे। पेज नंबर 56। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो ये एक्सरसाइज हम अपनी बुक में फिल करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 56। नेहा और दिवेश किसके घर गए थे? बताइए, नेहा और दिवेश किसके घर गए थे? बेला के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बेला। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है बेला, यस। बर्फी किस चीज की बनी थी? बर्फी किस चीज की बनी थी? बेसन। बेसन किस चीज की बनी थी? बेसन की। केले कौन बेच रहा था? केले कौन बेच रहा था? अभी अभी आपने पोयम में रीड किया था ना, महेश। कौन बेच रहा था? महेश। गुरु के साथ कौन जा रहे थे? गुरु के साथ कौन जा रहे थे? चेले। चेले कौन जा रहे थे गुरु के साथ? चेले। बर्फी किस चीज की बनी थी? बेसन। केले कौन बेच रहा था? महेश। गुरु के साथ कौन जा रहे थे? चेले। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2। चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। अब यहां पर कुछ पिक्चर्स बनी हैं जिनको देखकर आपको इनके नेम पूरे करने हैं। अब मुझे बताइए ये पिक्चर किस चीज की है जिससे मम्मी रोटी बनाती हैं? क्या है ये? बेलन। तो यहां पे हम क्या फिल करेंगे? बे, बेलन। योर सेकंड पिक्चर किस चीज की है? क्या खाते हैं गोल गोल? जलेबी। ये किसकी पिक्चर है? मेज। किसमें बैठकर घूमने जाते हैं? रेल गाड़ी। योर फर्स्ट पिक्चर इज बेलन, जलेबी, मेज, रेलगाड़ी। ओके, ऑल ऑफ यू हैव डन, यस। योर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक और अनेक, जैसा कि आपने अभी एक और अनेक इट मींस एक वचन और बहुवचन वाली एक्सरसाइज की थी, ऐसे ही आप इसको करेंगे। एक और अनेक। केला केले। ओके, ये सेकंड पिक्चर किस चीज की है? खीरा। अब खीरा को अनेक में लिखेंगे, ये क्या है? खीरे। थर्ड पिक्चर क्या होता है जो मम्मी बनाती है, थोड़ा कड़वा कड़वा होता है?
करेला, करेला का क्या लिखेंगे, करेले। ये क्या है, पेड़ा। पेड़ा का क्या होगा अनेक में, पेड़े। अब बताइए ये क्या है, ठेला। और जब बहुत सारे होंगे तो क्या लिखेंगे, ठेले। केला, केले। खीरा, खीरे। करेला, करेले। पेड़ा, पेड़े। ठेला, ठेले। इस तरह से आप अपनी बुक का पेज नंबर 56 कंप्लीट करते हैं। ओके, आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 56 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। आर यू रेडी? यस। चलिए अब आप बताइए, आपने अभी अभी पोयम रीड की थी, सबने पोयम रीड की थी। सड़क किनारे महेश क्या बेच रहा था, जल्दी से बताइए। सड़क किनारे महेश क्या बेच रहा था, केले। केले कैसे थे, मीठे मीठे, पीले पीले। गुरुजी के साथ कौन जा रहे थे, चेले। चेले के मुंह में क्या आया, पानी। और वो धीरे धीरे कहां जाकर खड़ा हो गया, ठेले के पास। और उसने, चेले ने केले कैसे बताए, काले काले, बड़े सड़ेले। और उसने केले लेने के लिए क्या कहा, उसने कहा कि तुम्हारे केले बेकार हैं। किसने कहा, बाबा ने। और मीठे मीठे, इनके छिलके केवल ऐसे ही तू ले ले, ये किसने कहा, शॉप वाले ने। ओके, इस तरह से ये पोयम आप लोगों को लर्न करनी है। सारे बच्चे पोयम लर्न करेंगे ना, यस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।